तो राज्य में चौमा की शुरुआत साथ ज भारी वरसाद खाबको सौराष्ट्र कच्छ और दक्षिण गुजरात में भारी वरसाद पड़ो है। तो 25 जूने चौमासु बैठू त्यार सतत वरसाद चालू है। हजू पहलो राउंड पूरा थो नहीं त्या बीजो राउंड शुरू थे। भारे वरसाद पगले नदी नाला छलकाया था और मोटा भागना डेम पर ओवरफ्लो थवाया था। हवामान विभाग डायरेक्टर मनोरमा मोहंती जणाव्यू कि राज्य में आगामी 5 दिवस वरसाद पड़शे, जेमा पहला 2 दिवस सामान्य वरसाद रहेशे, परंतु त्यारबाद समग्र राज्य में भारे थी अति भारे वरसाद पड़वानी संभावना छे। अगले 5 दिन में पूरे गुजरात में बारिश होने का संभावना है। इवन सौराष्ट्र कच्छ में लाइट टू मॉडरेट रेन मोस्टली रहेगा, लेकिन भारी से अति भारी इवन एक्सट्रीमली हेवी रेन होने का संभावना है। आज आइसोलेटेड प्लेसेस में भारी बारिश हो सकता है और कल से अति भारी बारिश एक्सट्रीम साउथ गुजरात रीजन में हो सकता है। परसों यानी 7 तारीख और 8 तारीख 7th और 8th जुलाई में सबसे ज़्यादा बारिश होने का संभावना है। एंटायर गुजरात स्टेट में बारिश रहेगा, लाइट टू मॉडरेट रेन तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन भारी से अति भारी बारिश हो सकता है। इवन एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल भी कहीं कहीं जगहों में होने का संभावना है। जैसे मोस्टली जो रेनफॉल ज़्यादा रेनफॉल साउथ गुजरात रीजन में और सौराष्ट्र में रहेगा 7 तारीख को, 8 तारीख को रेनफॉल बेल्ट शिफ्ट रहेगा नॉर्दर्न पार्ट ऑफ गुजरात इवन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ सौराष्ट्र कच्छ में भी भारी से अति भारी और एक्सट्रीमली हेवी रेन होने का संभावना है। अभी सिस्टम डेवलप हो रहा है, होने का संभावना है, मतलब 7 तारीख तक ईस्ट वेस्ट शियर जोन डेवलप होने का संभावना है गुजरात का आसपास, तो इसलिए एक्सट्रीमली हेवी रेन हो सकता है। सारे ऑल 5 डेज के लिए वार्निंग दिया गया है। अहमदाबाद में भी भारी बारिश हो सकता है, भारी बारिश होने का संभावना आज नहीं है, आज और कल नहीं है, लेकिन परसों से है। अभी जो पूरे गुजरात में चल रहा है अभी एक्सेस में चल रहा है, मोर देन 100% रेनफॉल हुआ है। और देखा जाए तो सौराष्ट्र कच्छ में 65% ऑफ सीजनल रेन जितना होना चाहिए उससे 65% हो चुका है। इवन गुजरात रीजन में भी काफ़ी अच्छा